हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 2.0। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि इम्पोर्टेंट ओडिशा जीके क्वेश्चन जहाँ कि आप मानकर जूनियर टीचर एग्जाम 2023 इम्पोर्टेंट रहिबो। आप मानकर जेटीएस सिलेबस, जेटी सिलेबस रे आप मानकर रहिछि ओडिशा जीके ऊपर रहिछि। आप मानकर फास्ट जो कॉमन पेपर रहिछि करंट अफेयर्स एंड जीके, करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन रे ओडिशा जीके मध्ये रहिछि, मेंशन रहिछि। ता सहित आप मानकर प्राइमरी लेवल रे आप मानकर ईवीएस रे रहिछि, आप मानकर हिस्ट्री ऑफ ओडिशा रहिछि, ता सहित हमरो फिजिकल फ्यूचर ऑफ ओडिशा मध्ये रहिछि, तो सेटा मध्ये या भीतर कवर हबो। ता सहित हमरो जो अपर प्राइमरी लेवल रे सोशल स्टडीज रे ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा मध्ये हमरो रहिछि। तो आप मानकर बोथ जीके सेक्शन रे, ता सहित आप मानकर सोशल स्टडीज एंड ईवीएस सेक्शन मध्ये हमरो एही वीडियो रे कवर हबो। एथरे हम डिस्कशन करबे टोटल 40 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, एही वीडियो टी समस्त ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबे प्रथम क्वेश्चन सहित, आपण 40 रे केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाईबे। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि आपमन पई, व्हिच कंट्री इज कंपेरेबल विथ द साइज ऑफ ओडिशा। से कोची या भितर कोउ देशटा ओडिशा रो साइज, ओडिशा रा क्षेत्रफल सहित समान अटे छ पचारिछि, माने बराबर, माने ओडिशा रा साइज जहा ता सहित समान कोउ कंट्री रो साइज से पचारिछि। तो ये हमारे करेक्ट आंसर जो कौन ना, करेक्ट आंसर होची बांग्लादेश। ओडिशार क्षेत्रफल होची 155.77707, माने 155,707 स्क्वायर किलोमीटर, 155,707 स्क्वायर किलोमीटर होची ओडिशार साइज, ओडिशार क्षेत्रफल। बांग्लादेश रे केते होची ना 147 point something रही, माने ओडिशा ठार भी छोट अटे साइज रे, माने ता समान से कंपेरेबल, माने ता बराबरी कोटा से पचार, तो बांग्लादेश हम ता बराबरी साइज हो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म ऑफ एरिया। से कहे जे क्षेत्रफल दृष्टि इंडिया रे ओडिशार रैंक केते, इंडिया रे हमरो ओडिशार रैंक क्षेत्रफल दृष्टि केते नंबर स्टेट से पचारि। तो क्षेत्रफल दृष्टिकोण रु हमरो ओडिशार पोजीशन होची 8th पोजीशन, राजस्थान होची नंबर 1 क्षेत्रफल दृष्टिकोण, राजस्थान सब बड़ राज्य, आम ओडिशार पोजीशन होची 8th पोजीशन, अष्टम स्थान आमर क्षेत्रफल दृष्टिकोण रु हासिल करी अष्टम स्थान। जदि पचारिबे से पॉपुलेशन वाइज, ताबले आमर 11 प्लेस रे रही रैंक 11, जनसंख्या दृष्टिकोण 11 आ क्षेत्रफल दृष्टिकोण 8। ए दिन मन रखिए, एग्जाम में भी पचारि पारे व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पचारिबो ताले 11th पोजीशन हबो, 11th पोजीशन हबो। जदि आमर एरिया वाइज पचारुछि ताले 8th पोजीशन हबो, एटा मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, हु वाज द लीडर ऑफ द पाइको रेबेलियन। पाइको रेबेलियन बा पाइको विद्रोह रो नेता किए थिले से पचारिछि, लीडर किए थिले से पचारिछि। पाइको रेबेलियन रो लीडर होचंती बक्सी जगबंधु, ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर, बक्सी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। महानदी रो सबटारु बड ट्रिब्यूटरी कोटा से पचारिछि, तो महानदी सब बड़ ट्रिब्यूटरी होची शिवनाथ, ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर, शिवनाथ होची लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, सिमिलपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आमर जो सिमिलपाल नेशनल पार्क अच्छी सेटा कौ जिले अच्छी, ओडिशार कौ जिले अच्छी सिमिलपाल नेशनल पार्क। तो सिमिलपाल नेशनल पार्क कौट अच्छी ना, मयूरभंज जिले अच्छी, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर, मयूरभंज जिले अच्छी। आ मयूरभंज जिला होची ओडिशार सबठू बड़ जिला। आपण एग्जाम पचार पारे व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, तो ओडिशार लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बा सबठू बड़ जिला होची एरिया वाइज मयूरभंज। जदि आप पॉपुलेशन वाइज पचारिबो ताहले आम जिला गंजाम होची पॉपुलेशन वाइज सब बड़ डिस्ट्रिक्ट, आ एरिया वाइज मयूरभंज जिला। नेक्स्ट रही, हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एंटर इन ओडिशा। से कहे ओडिशा को सर्वप्रथमे कौ यूरोपियन आसी से पचारि, ओडिशा को सर्वप्रथम यूरोपियन आसीथिले, तो से माने भितर को यूरोपियन आसीथिले से पचारिछि। तो सर्वप्रथम को माने आसीथिले ना, पोर्तुगीज माने आसीथिले, ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर, पोर्तुगीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द गंजाम डिस्ट्रिक्ट से कहते गंजाम जिलार लाइफ लाइन जीवन रेखा क्या कह जाए कौ नदी को कह जाए गंजाम जिलार जीवन रेखा बोली कौ नदी को कह जाए से पचार गंजाम जिलार लाइफ लाइन होची ऋषिकुल्या नदी ऋषिकुल्या नदी अच्छी सी हूँ आम गंजाम जिलार लाइफ लाइन अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन से कहते रामसर कन्वेंशन अंडर रे कोटा प्रथम भारतीय वेटलैंड रो मान्यता पाई फर्स्ट इंडियन वेटलैंड होची कोटा ना चिलिका लेक चिलिका होची फर्स्ट इंडियन वेटलैंड तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर चिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय इन ओडिशा से कहते ओडिशार सत्यवादी वन विद्यालय किए स्थापना करते ओडिशा रे सत्यवादी वन विद्यालय किए स्थापना करते सत्यवादी वन विद्यालय किए करते ना गोपबंधु दास ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर गोपबंधु दास। नेक्स्ट रही व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ ओडिशा ओडिशार सबुठारु उच्चतम श्रृंग पर्वत श्रृंग कौटा से पचार ओडिशार सबुठारु उच्चतम पर्वत श्रृंग हूँ देओमाली ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर देओमाली देओमाली कौ जिलार अच्छे एमती भी पचारि पारे देओमाली आम कोरापुट जिलार अच्छी कोरापुट जिलार अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बरहेपाणी वाटरफॉल कम्स अंडर व्हिच नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कहते बरहेपाणी जलप्रपातटा आमर कौ राष्ट्रीय उद्यान बा आमर वन्यजीव अभयारण्य भितर आसुची तो बरहेपाणी वाटरफॉल्ड आमर कौट आसना सिमिलपाल नेशनल पार्क भितर आसुची सिमिलपाल नेशनल पार्क भितर आमर अंडर आसुची बरहेपाणी वाटरफॉल ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर सिमिलपाल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस से कहते जे आमर राइस आमर धान उत्पादन सबुठारु बड़ जिला कौटा सबुठारु अधिक मात्रा प्रचुर मात्रा रे आमर धान उत्पादन करथबा जिल्ला कोटा से पचारछि ओडिसारो तो ओडिसारो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ राइस कौ जिल्ला सबुठारु अधिक मात्रा रे आमर राइस प्रोड्यूस करूछि से होछि आमर कोन ना बरगढ़ जिल्ला अधिक मात्रा रे राइस प्रोड्यूस करूछि ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर बरगढ़। नेक्स्ट रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन टर्म ऑफ एरिया ऑलरेडी मुझे सारी तो आम एरिया वाइज ओडिशार सब बड़ जिला हूँ मयूरभंज जिला आउ आमर पॉपुलेशन वाइज हूँ गंजाम जिला आउ सब छोट जिला एरिया वाइज जगत सिंहपुर हूँ सब छोट जिला एरिया वाइज आदि आम पॉपुलेशन वाइज सब छोट हूँ देवगढ़ हूँ पॉपुलेशन वाइज सब छोट। नेक्स्ट रही हु फाउंडेड उत्कल ब्रह्म समाज इन ओडिशा से कहते ओडिशा रे उत्कल ब्रह्म समाज को किए स्थापना करते ओडिशा रे उत्कल ब्रह्म समाज रो स्थापना किए करछंती ओडिशा रे उत्कल ब्रह्म समाज रो स्थापना करछंती किए से होछंती हरनाथ भट्टाचार्य बा हरनाथ भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हुज गवर्नर जनरलशिप विटनेस्ड द घुमुसर रेबेलियन से कहते जे किए गवर्नर जनरल थिबा समय रे घुमुसर रेबेलियन हेइथिला किए गवर्नर जनरल थिबा समय रे आमर घुमुसर रेबेलियन हेइथिला से पचारिछि तो करेक्ट आंसर होची चार्ल्स मेटाकेफ जो समय रे गवर्नर जनरल थिले सेही समय रे घुमुसर रेबेलियन आमर आरंभ हेइथिला ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर चार्ल्स मेटाकेफ। नेक्स्ट रही चिलिका लेक इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ व्हिच रिवर चिलिका लेकटा कौ नदी मुहाण में अवस्थित से पचारिछि चिलिका लेक आमर कौ नदी मुहाण में अवस्थित चिलिका लेकटा कौ नदी मुहाण में अवस्थित से पचारिछि तो ये आम चार ऑप्शन रही महानदी दया पेंच ना मांडुवी एटा आपनपई होमवर्क रहले आपन यार आंसर कमेंट बॉक्स रे जणाइबे ए क्वेश्चन मु बहुत तरह आम रिपीट मध्ये करछि आरएचटी एग्जाम पे मध्ये ए क्वेश्चन टा रिपीट करछि एटा आपनपई होमवर्क रहला मु कमेंट सेक्शन रे जणाइबे को माने ठीक होछि को माने भूल होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच साइट ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर इट्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले सी टर्टल से कहते ओडिशार कौ साइटा प्रसिद्ध अच्छी आमर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सहित ऑलिव रिडले सी टर्टल आमर जो ऑलिव रिडले कईच आउ आमर लुणिया जलर जो क्रोकोडाइल कुंभीर पर कौ साइटा फेमस से पचार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भितरकनिका मैंग्रोव आमर फेमस अटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपर कोलाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। से कहते ओडिशार कौ जिले ओडिशार कौ जिले अपर कोलाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अच्छी अवस्थित। तो अपर कोलाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आम अवस्थित कौ जिले ना आम कोरापुट जिले अवस्थित। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज सिचुएटेड नियर द टेनसा हिल स्टेशन। से कहते टेनसा हिल स्टेशन निकट में कौ जलप्रपात अवस्थित। टेनसा हिल स्टेशन निकट में आम कौटा रही खंडधार जलप्रपात अवस्थित। खंडधार जलप्रपात अवस्थित ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीस ऑफ पगोड़ा ऑफ ओडिशा। ओडिशार पीस ऑफ पगोड़ा क्या कहुए ओडिशार पीस ऑफ पगोड़ा क्या कहुए ना धौलीगिरी बा धौली स्तूप को कहुए पीस ऑफ पगोड़ा। मन रखिए एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ पगोड़ा हूँ धौली स्तूप धौलीगिरी आपने ब्लैक पगोड़ा हूँ आमर कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क सूर्य मंदिर आउ व्हाइट पगोड़ा हूँ पूरी जगन्नाथ टेम्पल। मन रखिए तीन टा क्वेश्चन बहुत बार आम पचार विभिन्न एग्जाम पचार तो व्हाइट पगोड़ा क्या कहुए ओडिशार व्हाइट पगोड़ा कहुए जगन्नाथ टेम्पल पूरीर जगन्नाथ मंदिर को कहुए व्हाइट पगोड़ा आउ ब्लैक पगोड़ा कहुए कोणार्क टेम्पल आमर जो कोणार्क सन टेम्पल रही कोणार्क सूर्य मंदिर ताको कहुए ब्लैक पगोड़ा आउ पीस पगोड़ा कहुए धौली स्तूप धौलीगिरी को कहुए पीस पगोड़ा। ये तीन टा मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एस्टाब्लीश्ड द गजपति डायनेस्टी ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे गजपति डायनेस्टी को किए स्थापना करते। ओडिशा रे गजपति डायनेस्टी फाउंडर होती कपिलेन्द्र देव। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कपिलेन्द्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन सेवेन्थ सेंचुरी चाइनीज ट्रैवलर व्हेन सा विजिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इन ओडिशा। से कहते सप्तम सेंचुरी रे आमर चाइनीज ट्रैवलर व्हेन सा ओडिशा आसीथिले ओडिशार को बुद्धिस्ट साइट को देखा आसीथिले को बुद्धिस्ट साइट को परिभ्रमण करने को आसीथिले हुएनसा से पचारी हुएनसा कौटे देखी ना पुष्पगिरी गोटे बुद्धिस्ट साइट ताको देखा आसीथिले पुष्पगिरी। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर पुष्पगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जयदेवस गीत गोविंद वाज रिटर्न ड्यूरींग ह्विच डायनेस्टी। जयदेव गीत गोविंद से जो पुस्तकटा कौ कहार शासन समय से लिखिथिले तो करेक्ट आंसर होची गंगो डायनेस्टी शासन समय से जयदेव आमर गीत गोविंद रचना करते। ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर गंगो डायनेस्टी बा गंगो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग नरसिंह देव। आमर राजा नरसिंह देव कोर्टर कवि किए थे से पचारी कोर्ट पोएट किए थे तो करेक्ट आंसर होची विद्याधर। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ओडिशा। तो से कहते ओडिशा रे प्रथम मुस्लिम रूलर किए से पचारी ओडिशा रो प्रथम मुस्लिम शासक किए से पचारी ओडिशा रो प्रथम मुस्लिम शासक होती सुलेमान करानी। सुलेमान करानी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर सुलेमान करानी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु फॉर्म्ड द उत्कल यंग वुमेन्स एसोसिएशन इन 1903। 1903 मसीह आमर 1903 मसीह उत्कल यंग वुमेन्स एसोसिएशन किए गठन करते। तो उत्कल यंग वुमेन्स एसोसिएशन गठन करते शैलबाला दास। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर शैलबाला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कृष्णा देवराय फास्ट अटैक्ड व्हिच पार्ट ऑफ ओडिशा। तो कृष्णा देवराय आमर कृष्ण देवराय ओडिशा को अटाक करते ओडिशार कौ पार्ट को प्रथम अटाक करते से पचारी ओडिशार कौ पार्ट को प्रथम अटाक करते ओडिशार उदयगिरी को प्रथम से अटाक करते। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप ओडिशा बिकम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। से कहते कहार किए जनरल सॉरी किए गवर्नर जनरल थिबा समय रे ओडिशा ब्रिटिश साम्राज्य रे मिसिथिला। ओडिशा ब्रिटिश साम्राज्य रे मिसिथिबा समय रे गवर्नर जनरल किए थिले से पचारी किए थिले से होचंती लॉर्ड वेलसली जेतेबेले गवर्नर जनरल थिले सेही समय रे ओडिशा ब्रिटिश साम्राज्य रे मिसिथिला बा ब्रिटिश माने ओडिशा को अख्तियार करथिले। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर वेलसली लॉर्ड वेलसली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही तप्तपाणी हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। से कहते ओडिशार कौ जिले में तप्तपाणी हिल स्टेशन अच्छी ओडिशार कौ जिले में तप्तपाणी हिल स्टेशन अच्छी पचारी एटा आमर अच्छी गंजाम जिले में अच्छी तप्तपाणी हिल स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर गंजाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011 से कौन 2011 जनगणना अनुसार अनुजाई ओडिशा रो कौ जिला सब हाईएस्ट लिटरेसी रेट माने शिक्षित हार सर्वाधिक से पचार शिक्षित हार सर्वाधिक हूँ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट खोर्धा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ ओडिशा से कौन ओडिशा रो सबुठारु बड़ आदिवासी ग्रुप कौटा आदिवासी जाति कौटा से पचार सब बड़ आदिवासी जाति ओडिशा रोचे कंस माने कंध जाति कंध जाति सब अधिक ओडिशा रे अछंती कंध जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अबोलिशेड द चौकीदारी टैक्स सिस्टम से पचार चौकीदारी टैक्स सिस्टम को किए अबोलिश करते चौकीदारी टैक्स सिस्टम ब्रिटिश माने लगे थे ब्राह्मण मानक उपरे चौकीदारी टैक्स सिस्टम लगे थे सीटा को आबोलिश करते कि पुरुषोत्तम देव आबोलिश करते पुरुषोत्तम देव सीटा को हटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सुवर्णरेखा रिवर सुवर्णरेखा नदीर सब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी उपनदी कौटा से पचार लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सुवर्णरेखा नदीर हूँ खरखाई हूँ सब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डुडुमा वाटरफॉल इज फॉर्म्ड बाय व्हिच रिवर कौ नदी द्वारा डुडुमा वाटरफॉल आमर हो पचार डुडुमा वाटरफॉलटा कौ नदी द्वारा हो पचार तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए माचकुंड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इरावाड़ी डॉल्फिन फाइंड इन व्हिच लेक इरावाड़ी डॉल्फिन आमर कौ लेक रे देखा मिले ए क्वेश्चनटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इरावाड़ी डॉल्फिन आमर कौटी देखा मिली ना चिलिका लेक रे देखा मिली चिलिका लेक रे देखा मिले इरावाड़ी डॉल्फिन देखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रजामंडल एट गरियामल इन 1938 फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ से कौन 1938 गरियामल ठारे प्रजामंडल आमर मूवमेंट को गठन करते सेटा कहार लीडरशिप रे हिची तो करेक्ट आंसर होची आमर कौन हम ना हेच के महातब माने हरेकृष्ण महातब एंड सारंगधर दास ए दुई जन मिसिक बनई थे तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द जोन ऑफ ट्रांजिशन इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेन तो जोन ऑफ ट्रांजिशन आमर कौ प्लेन रे अवस्थित जोन ऑफ ट्रांजिशन कौटे अच्छी ना आमर ऋषिकुल्या प्लेन रे अवस्थित ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ऋषिकुल्या प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेंगाली इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड अक्रॉस व्हिच रिवर आमर रेंगाली जलसेचन प्रोजेक्ट रेंगाली इरिगेशन प्रोजेक्ट बा रेंगाली जलसेचन प्रोजेक्ट बा प्रकल्प कौ नदी उपरे अवस्थित रेंगाली इरिगेशन प्रोजेक्ट आमर ब्राह्मणी नदी उपरे अवस्थित ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ब्राह्मणी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट वाज और वेयर द मेन रीजन फॉर घुमुसर रेबेलियन से पचार घुमुसर रेबेलियन रो मुख्य कारण कौन घुमुसर रेबेलियन स्टार्ट होबार मुख्य कारण कौन थिला से पचार सप्रेशन ऑफ मेरिया फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अप टू 50% डेथ ऑफ धनंजय भंज ना ऑल ऑफ द अबव तो देखु घुमुसर रेबेलियन आरंभ होता आमर ट्राइबल कंध लोक द्वारा होता तो कंध ट्राइब द्वारा होता कारण हूँ जे मेरिया जो गोटे प्रथा था इंग्लिश ब्रिटिश माने बैन कर दिले ब्रिटिश माने मेरिया जो प्रथा थी सीटा बैन कले मेरिया माने कौन ना ह्यूमन सैक्रिफाइस आमर जो मानव बलि कौन जो मनुष्य बलि पशु बलि एपर्तंत आम कौ जगह पशु बलि प्रथा मत रही तो से भाई आमर मानव बलि ह्यूमन सैक्रिफाइस से जो प्रथाटा थी सीटा को इंग्रेज मैंने बैन कले से रागे कंध लोक मैंने सहित फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अप टू 50% मैंने 50% अधिक से आमर जमी कर जबरदस्ती आदाय करुले 50% रु अधिक जबरदस्ती से आदाय करुले यहीटा गोटे राग था सहित डेथ ऑफ धनंजय भंज राजा धनंजय भंज थे मृत्यु करते मारी तो ये तीन टा जगह कारण जो भुवनेश्वर रेबेल नाम आरंभ होता तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप मलयगिरी माउंटेन सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा तो से कौन ओडिशा रो कौ जिले में मलयगिरी माउंटेन अवस्थित ओडिशा रो कौ जिले में मलयगिरी माउंटेन अवस्थित तो ओडिशा रो अनुगुल जिले में आम मलयगिरी माउंटेन अवस्थित अनुगुल जिले में अवस्थित तो मलयगिरी माउंटेन रिलेटेड बर्तमान आम मल्यगिरी फिल्म आसूरी अनुभव आ अरिंदम आसूरी तो यहाँ मलयगिरी माउंटेनटा अनुगुल जिले में अच्छी
तो ये टोटल 40 क्वेश्चन आप 40 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। जदि भिडियो भल लागुछि ताहाले निहाती गोटे लाइक करिबे, ता सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु निहाती भावे शेयर करिबे। जो माने हम चैनल नुवा छथि चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहाद्वारा आप माने समस्त भिडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।